शालीन भनोट और टीना दत्ता का जो पूरा एंगल है ये कितना फेक है कितना सच है, क्योंकि ये तो जैसे गौतम सौंदर्य पर इल्जाम लगा कि तीसरे ही दिन प्यार शुरू, वैसे ही शालीन टीना पर भी इल्जाम लगा था कि स्टार्टिंग से ही कैसे ये पॉसिबल है, स्टार्टिंग से ही आप कैसे एक दूसरे को इतना पसंद करने लग गए हो। क्योंकि टीना और शालीन का जहां तक मुझे भी याद है, और बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करेंगे कि इनका भी गौतम सौंदर्य की तरह स्टार्टिंग में ही शुरू हुआ था, इनका कोई बहुत मिड सीजन में शुरू नहीं हुआ, अचानक से शुरू हो गया। अचानक से टीना चिढ़ाने लगी शालीन को सौंदर्य के नाम से, अचानक से सुंबुल के नाम से चिढ़ाने लगी, फिर अचानक से ही टीना को पोजेसिवनेस होने लगी शालीन को लेकर। तो ये सब जो है ये बड़ा अचानक से हुआ और आउट ऑफ नो वेयर हुआ, मतलब कुछ हो रहा हो फिर हो तो समझ भी आए, कुछ नहीं हो रहा उस पूरी सिचुएशन में और ये अचानक से हो जाए तो ये बहुत ही वियर्ड लगने लगता है, जो कि जनता को एविडेंटली लगा। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर सलमान खान ने सभी के नाम लिए जितने गुड फ्रेंड्स हैं, चाहे वो जुजू हो, अब वो फ्रेंड है बॉयफ्रेंड है पता नहीं, चाहे डॉली हो या राम हो, अब ये लोग कौन है कोई नहीं जानता, बाय फेस इनको कोई नहीं जानता, ये इनके मैनेजर्स हैं, दोस्त हैं, प्रोडक्शन से कोई है, बिग बॉस की टीम का कोई है, मेकर्स की टीम में से कौन है, कौन होगा राम या कौन होगा डॉली, कौन होगी डॉली या कौन होगा जुजू, कोई नहीं जानता सिवाय शालीन टीना के और मे बी इनसाइड घर वालों के और मे बी सलमान के। लेकिन चलिए मैं अब आपको बताती हूं कि इस वक्त जो है कई सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। जी हाँ, कई सारी ये चीजें बातें सामने आ रही हैं कि क्लोज सोर्सेज, मतलब कई सारे सोर्सेज ने इस बात का खुलासा किया है और सलमान ने भी कल इस बात को कहा कि क्या आप दोनों के मैनेजर ने ये बात कही है कि आप घर के अंदर आकर लव एंगल्स कीजिए, क्योंकि जब लव एंगल, देखो घर में आप कितनी भी कोना पकड़ कर बातें कर लो, कितना भी आप माइक हटा कर बातें कर लो, ममरिंग सुनाई दे जाती है, हल्की फुल्की ब्लफिंग समझ में आ जाती है। तो ऐसे में या तो आप इशारों में कोड वर्ड्स में बातें करो, जैसे कि जब टीना ने कहा सामने से कि मेरी फ्रेंड है डॉली, उससे मैं स्ट्रिक्टली बोल के आई हूँ कि मुझे उसने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है घर में लव एंगल नहीं करना, सेम टाइम पे शालीन ने बोला वही मेरी भी फ्रेंड है डॉली, उसने भी मुझे बोला कि सेम टाइम पे शालीन कहते हैं कि उसने भी मुझे बोला कि कोई लव एंगल घर में नहीं करना है। तो ये दोनों ने सेम टाइम पर सेम बात क्यों बोली, आपसे किसी ने पूछा नहीं फिर भी आप बोल रहे हैं क्यों? सो ये जो चीजें हैं ये जनता को काफी ज्यादा वियर्ड लग रही हैं, ये जनता को काफी ज्यादा अजीब लग रही हैं और इसीलिए ये एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों लोगों ने अपना अलग से बाहर टांका फिट किया और फिर घर के अंदर आकर इन्होंने इसको अंजाम देने की कोशिश की है, इसलिए तुरंत ही इन दोनों को प्यार हो गया, तुरंत ही ये दोनों एक दूसरे के लिए पजेसिव हो गए इतना ज्यादा। अब ये जो पहले से इनके मैनेजर्स या जो भी इनकी टीम के लोग हैं जिन्होंने इनको बोला है ये लव एंगल के लिए, इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा।